एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रिएटिव पी यू। एंड आज के वीडियो में हम इस तरह की लॉकर स्क्रैपबुक का बेस बनाना सीखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे इस तरह से अगर हम टर्न करते हैं तो ये ओपन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसे बनाने के लिए आपको 6x6 इंच के इस तरह के कार्डबोर्ड या चिपबोर्ड की ज़रूरत है, और यहाँ पर इस तरह की 3 पट्टियों की ज़रूरत है, सिर्फ 2 पट्टियों की। अभी हम यहाँ पर अपने 6 इंच वाले चिपबोर्ड को 3 सेंटीमीटर पर मार्क करके इस तरह से इसका सेंटर ड्रॉ कर रहे हैं, और सेंटर से हम 5 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद एक सर्कल बनाएंगे जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर की है। अभी हम टिश्यू टेप या फिर किसी भी गोल चीज़ से आप इसके इस तरह से साइड में इतना पोर्शन आपको मार्क करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। सो इस तरह से अब हमने इसको मार्क कर लिया, और हम पेंसिल कटर की मदद से इसे कट करके बाहर निकाल देंगे, और इससे सीजर की मदद से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। मतलब कि जो भी हमारा ये जो एजेस हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जिससे कि ये जो कटआउट है इसमें फंसेगा नहीं। तो अभी हम इसे कवर करेंगे इस तरह की मेटलिक शीट से। आप चाहें तो और भी कोई शीट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसे कवर करने से पहले मार्क कर ले रहे हैं स्कोरिंग टूल की मदद से, और फिर ट्रैकी टेप की मदद से इसे चिपका रहे हैं। क्योंकि मेरी मेटलिक शीट है और मैं फेविकॉल नहीं यूज़ कर सकती, फेविकॉल लगाने से इसके ऊपर पैचेस आ जाएंगे आगे की तरफ, तो मैं यहाँ पर ट्रैकी टेप की मदद से कर रही हूँ। आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं फेविकॉल। अगर आप कोई और शीट यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैकी टेप यहाँ पर हम चारों तरफ लगा देंगे, और फिर हम इसे पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर कुछ इस तरीके से। देन हमें इसके सारे जो कॉर्नर हैं वहाँ पर फेविकॉल अप्लाई करके इसे अच्छे से चिपका देना है। सो जब हम यहाँ पर तीनों एरियाज़ को चिपका देंगे, तो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि ये जो बीच वाला कटआउट है उसको कुछ इस तरीके से काटना है। इस सेम शेप को थोड़ा छोटा सा बनाना है, और फिर सारे जो है एक्स्ट्रा पार्ट उनके ऊपर कट्स लगा देने हैं, और इन्हीं जगह पर हमें फेविकॉल लगा करके इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, जिससे कि ये जो एजेस है वो हमारी वो भी ढक जाएंगी। अभी हम इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए ये 15.2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर की जो पट्टी थी इसे ऐड करा है, एक अनादर 6x6 इंच वाला कार्डबोर्ड, एंड वापस 6 सेंटीमीटर एंड 15.2 सेंटीमीटर की एक और इस तरह से हमने लगाई है, और लास्ट में हमें एक और 6x6 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड लगाना है। यानी कि हमने टोटल यहाँ पर 5 कार्डबोर्ड कटआउट्स यूज़ करे हैं, और फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने इस तरह से कट करके फेविकॉल से अटैच कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसी पर मैंने डबल साइडेड टेप लगा करके इस पूरे को कवर कर दिया है। और जो बीच बीच में हमने ये गैप छोड़े हैं, ये छोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारा फेविकॉल डाल देंगे, बहुत सारा सा मेरा मीनिंग है, अच्छे से फेविकॉल फिल कर देंगे, ताकि जो यहाँ पर हमारा जो एक एरिया थोड़ा सा बन रहा है, यहाँ से ये अच्छे से फोल्ड हो सके और क्रैक ना आए। तो ये देखिए, हमने इसे यहाँ से पेस्ट करा है, एंड बोन फोल्डर की मदद से हम यहाँ पर इसे इस तरह से फोल्ड होने की एक मार्जिन बना देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्पेस छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पर ग्लू अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ छोटी छोटी बातों को अगर अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आप एकदम फिनिशिंग वाला और प्रीमियम लुक वाला बेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस एरिया को कवर कर लिया है, और बचे हुए एरिया पर भी हमने अपनी मेटलिक शीट को लगा दिया है, और पहले की तरह हम इसे भी इस तरह से कट कर ले रहे हैं। बस हमने यहाँ पर इस बार शेप छोटी नहीं काट करके एकदम बारीकी से इससे मिलती हुई कट कर ली है। तो इस तरह से ये एक बार हमारा बेस रेडी हुआ है। अब हमें इसके अंदर वो जो लॉक करने वाला सिस्टम है उसे लगाना है। तो उसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसे ही लिया है हमने, और मेटलिक शीट से इसे भी कवर कर दिया है सेम प्रोसेस से। सो जब ये पूरा अच्छे से कवर हो जाता है, तो हम यहाँ पर एक सेम शेप कट करी हुई एक और शीट इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों तरफ से मेटेलिक शीट से कवर हो जाएगा, एंड हम फिर इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूरा कंप्लीट है। अभी हम इसके बीच में एकदम सेंटर में होल करेंगे, और इस तरह की एक पेन हमने ली है, इसकी मदद से आप एक दूसरे टाइप की भी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। सो मैं ये बड़ी वाली यूज़ कर रही हूँ, और एक होल करना है। बिना इसके आप ये लॉकर नहीं बना सकते हैं।
तो यहाँ पर हम इसमें एक हॉल कर देंगे और इस अम्ब्रेला शेप पिन को इसके अंदर डाल देंगे एंड फिर इस बेस पर भी हम इसे इस तरह से मार्क करके कर देंगे। सो ये आप देख सकते हैं, अभी हम इसे यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और फिर इस पिन को इंसर्ट कर देंगे। फिर इसके बैक साइड से जहाँ से हम पिन को इंसर्ट कर रहे हैं वहाँ हमें इसे बिल्कुल चिपकाते हुए नहीं, थोड़ा उभरा उभरा ऊपर की साइड से मोड़ना है, यानी कुछ गैप बीच में छूटा होना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा रहे और जो हमारा ऊपर वाला जो कवर है उसमें जाके अटक सके। तो मैं इस तरह के प्लार की मदद से इसे कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर मैं टेप और ग्लू लगा करके कोई पेपर चिपका दूँगी जिससे कि एक जगह स्टेपल हो जाए। तो जब हम इसे लगा देते हैं तो इस तरह से हम इसे रोटेट कर सकते हैं और फिर ये लॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक आइडिया है जिससे आपका स्क्रैप बुक लॉक भी हो जाता है, थोड़ा क्रिएटिव है, इंटरेस्टिंग भी है। इस तरह के मटेरियल अगर आपको भी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको इनकी डिटेल्स दे दूँगी। हम इसमें ऐड करेंगे पेजेस, तो पेजेस के लिए मैंने इस तरह के 6 इंच एक साइड से है और 13 इंच एक साइड से है, तो इनको हमने इस तरह से फोल्ड करा और इसे डबल साइडेड टिश्यू टेप की मदद से इसके ऊपर अटैच कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर सारे पेजेस को अटैच कर देते हैं। देन इसके बाद हम इसमें एक एक करके कार्ड और डेकोरेशन का काम करेंगे, पर इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी का जो भी है ट्यूटोरियल उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इन अलग अलग कार्ड्स को कैसे बनाना है उसका लिंक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह की बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए नोटिफिकेशन